गुड मॉर्निंग क्लास सर, मैंने आपके लिए एक ईवीएस की वर्कशीट बनाई है। आपको ये वर्कशीट कैसे सॉल्व करनी है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया है आपको, देयर आर सम कॉमन फूड विच आर रिटन बिलो, फाइंड आउट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट दीज आइटम। आपको नीचे कुछ फूड के आइटम्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये फूड आइटम्स हमको कहाँ से मिलते हैं, इनके रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, आपको पता है कि ये एनिमल से मिलता है, और ये बताना है कि किन किन एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग, ऑयल, मीट, इन सब के बारे में आपको लिखना है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फूड आइटम्स विच कैन बी ईटन रॉ, सम कैन बी ईटन आफ्टर कुकिंग, वेल सम कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड, फाइंड आउट फ्रॉम द बिलो लिस्ट एंड क्लासीफाई अकॉर्डिंग। नीचे आपको फूड आइटम की तीन कैटेगरीज दी गई है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में मतलब आपको बताया गया है कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। सेकंड कॉलम में बताया गया है कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम जिन्हें हम पकाकर खाते हैं, और ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिन्हें हम कच्चा और पकाकर दोनों खा सकते हैं। ऊपर कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं, कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ ठीक है आपको कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं, जो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ कच्ची, कौन सी पकाकर, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कच्ची और पकाकर दोनों खाई जा सकती है। आपको इन तीनों कॉलम में ये फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ एनिमल्स, क्लासीफाई देयर एनिमल्स इन फॉलोइंग कैटेगरी। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं। आपको नीचे एनिमल्स की कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, ठीक है। आपको दिए गए एनिमल्स में से सिलेक्ट करके उनको नीचे दी गई कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। जैसे कैन फ्लाई, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है। जो दिए गए एनिमल्स हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से उड़ने वाले एनिमल्स कौन से हैं। कैन क्रॉल, कौन से एनिमल ऐसे हैं जो रेंगते हैं। कैन वॉक, कौन से ऐसे हैं जो चलते हैं। कैन हॉप, कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो कूदते और फुदकते हैं। हैव विंग्स, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पंख होते हैं। हैव फीट, कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पैर होते हैं। हैव और टेल, और ऐसे एनिमल्स कौन से हैं जिनकी पूंछ होती है। तो जो ऊपर एनिमल्स दिए गए हैं इनको आपको सिलेक्ट करके इन कैटेगरीज में डालना है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर फेवरेट फ्लावर, ठीक है। आपको अपना फेवरेट फ्लावर का के बारे में लिखना है कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं, नेम ऑफ द फ्लावर, मतलब जो आपका फेवरेट फ्लावर है उसका नाम क्या है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दैट फ्लावर, आपको अपने फेवरेट फ्लावर का चित्र ड्रॉ करना है, उसका चित्र बनाना है। कैन यू ग्रो इट एट योर होम, क्या आप अपने फेवरेट फ्लावर को अपने घर में उगा सकते हो, ठीक है। अगर उगा सकते हो तो यस, और नहीं उगा सकते तो नो लिखोगे। कलर ऑफ द फ्लावर, जो आपका फेवरेट फ्लावर है उसका कलर क्या है। क्वेश्चन फाइव है, मैच द फॉलोइंग फूड्स विद द नेम। आपको कॉलम ए में कुछ फूड्स के चित्र दिख रहे होंगे, ठीक है, और कॉलम बी में उनसे रिलेटेड फूड्स के नाम अलग अलग उसमें दिए गए हैं। आपको पिक्चर से सिलेक्ट करके सामने कॉलम बी में जो मतलब पिक्चर से रिलेटेड फूड है उसके आगे एरो लगा के मैच करना है कि कौन सा फूड कौन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। आपको नीचे एक पजल दिया गया है, इसमें अलग अलग एनिमल्स के एनिमल्स दिए गए हैं। आपको उन एनिमल्स का नाम इन पजल बॉक्स में फिल करना है। जैसे पहले क्रैप दिया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CRAP, ठीक है। इस प्रकार आपको इन एनिमल्स
के नाम इस पजल बॉक्स में फिल करने हैं। ठीक है, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।